खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साल से ज्यादा समय तक देश की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले, लगातार 5 साल तक देश का बजट पेश करने वाले, बीजेपी के लिए संकट मोचक कहलाने वाले अरुण जेटली ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। दिल्ली के नारायणा विहार में एक पंजाबी शरणार्थी परिवार में 28 दिसंबर 1952 को अरुण जेटली का जन्म हुआ। राजनीति में जेटली की एंट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने वाले जेटली ने 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर अध्यक्ष भी बने। इसी दौरान जेटली जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी शामिल हुए। आंदोलन में शामिल होने का खामियाजा उन्हें 19 महीनों तक जेल में रहकर भुगतना पड़ा। जेल से निकलने के बाद अरुण जेटली सियासत के साथ साथ वकालत भी करने लगे। 1980 में बीजेपी की स्थापना के समय से ही वो पार्टी से जुड़े रहे। दूसरी तरफ वकालत के पेशे में भी वो तेजी से आगे बढ़ते रहे। ।1989 में सिर्फ 37 साल की उम्र में अरुण जेटली देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते जेटली को बफोर्स जैसे केस की जिम्मेदारी मिली। बफोर्स घोटाले की वजह से ही 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की हार हुई थी। 1991 में जेटली को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 1992 में जेटली अपनी दलीलों से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। हिंदी और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ की बदौलत जेटली जल्द ही बीजेपी के सबसे कामयाब प्रवक्ताओं में शुमार हो गए। प्रवक्ता का काम करते वक्त वकालत की उनकी प्रैक्टिस काफी काम आई। अपनी ठोस दलीलों से जेटली विरोधियों को लाजवाब करते रहे। लेकिन जेटली के राजनीतिक करियर को सबसे बड़ी ऊंचाई 1999 में मिली जब उन्हें वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाया गया। अरुण जेटली को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। वाजपेयी सरकार में ही जेटली को देश का पहला विनिवेश मंत्री बनाया गया। बाद में जेटली का प्रमोशन भी हुआ और वो कैबिनेट मंत्री बन गए। जेटली ने वाजपेयी सरकार में कानून के अलावा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय भी संभाला। वाजपेयी सरकार जाने के बाद भी जेटली राज्यसभा में पार्टी की बुलंद आवाज बने रहे। 2009 में जेटली को राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। ।2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की रणनीति तैयार करने में भी जेटली की बड़ी भूमिका रही। 2014 में ही जेटली ने अपनी संसदीय राजनीति का पहला चुनाव भी अमृतसर से लड़ा। हालांकि उस चुनाव में वो कांग्रेस के अमरिंदर सिंह से हार गए, लेकिन सरकार और संगठन पर उनकी पकड़ तब भी मजबूत रही। राजनीति और वकालत के अलावा क्रिकेट में भी अरुण जेटली की गहरी दिलचस्पी थी। अरुण जेटली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के अध्यक्ष रहे। 2009 में जेटली BCCI के उपाध्यक्ष भी बने। इसके अलावा जेटली IPL के गवर्निंग काउंसिल से भी जुड़े रहे। बुलंदियों पर चढ़ते अरुण जेटली की तबीयत 2018 की शुरुआत में खराब रहने लगी। मई 2018 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। जेटली की गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जेटली ने एक बार फिर
वित्त मंत्रालय का काम संभाल लिया। इसी बीच जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया। इसकी सर्जरी के लिए वो इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। इसी वजह से जेटली इस साल अंतरिम बजट पेश नहीं कर पाए। 2019 का चुनाव जब अंतिम दौर में था तो जेटली एक बार फिर बीमार हो गए। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 23 मई को जिस दिन बीजेपी को बंपर जीत मिली उस दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में खराब सेहत की वजह से जेटली ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया।